नमस्कार, मैं अरुणा चौधरी आप सभी लोगों का अरुणा वीसी चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे सैफ अली खान की जीवनी, द बायोग्राफी ऑफ सैफ अली खान। तो आइए शुरू करते हैं सैफ अली खान का जीवन परिचय। सैफ अली खान का जन्म दिल्ली में 16 अगस्त 1970 को हुआ था। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे। उनकी माँ का नाम शर्मिला टैगोर है, जो कि अपने समय की चर्चित अभिनेत्री रही हैं। उनकी दो बहनें हैं, जिनमें से एक सोहा अली खान है और वो भी सैफ अली की तरह फिल्मों में सक्रिय है। अब जानते हैं विस्तृत रूप से। सैफ अली खान हिंदी फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं। उन्होंने अपने आप को चर्चित अभिनेता के तौर पर हिंदी फिल्मों में स्थापित किया है। हिंदी फिल्मों में उनका करियर सफल रहा है। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 बार फिल्म फेयर सम्मान अहम है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। सैफ के करियर की शुरुआत फिल्म परंपरा से हुई थी। उनकी अगली फिल्म आशिक आवारा के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरह सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद सैफ अली खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सैफ अली खान का शुरुआती जीवन। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे। उनकी माँ का नाम शर्मिला टैगोर है, जो कि अपने समय की चर्चित अभिनेत्री रही हैं। उनके दो बहनें हैं, जिनमें से एक सोहा अली खान है और वो भी सैफ की तरह फिल्मों में सक्रिय हैं। सैफ ने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावार से पूरी की है। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने लॉकर्स पार्क स्कूल हर्टफोर्डशायर और विंचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। अब जानते हैं लव अफेयर और शादी। सैफ की पहली शादी अमृता सिंह से हुई थी, जो कि उनसे 12 साल बड़ी थी, और इनके दो बच्चे भी हैं। लड़की का नाम है सारा अली खान और लड़के का नाम है इब्राहिम अली खान। लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों का तलाक हो गया है। इसके बाद आशिक मिजाज नवाब का दिल आ गया रोजा काटालानों पर, जो कि एक स्विस मॉडल थी। पर इनके साथ भी सैफ का सफ़र अधिक दिनों का नहीं रहा। साल 2007 में सैफ अली खान और अभिनेत्री करीना कपूर के अफेयर की खबरें आईं। विवाह तिथि, पहली पत्नी अक्टूबर 1991, दूसरी पत्नी से 16 अक्टूबर 2012। अब जानते हैं सैफ अली खान का करियर। सैफ अली खान ने अपने अभिनय की शुरुआत यश चोपड़ा की असफल ड्रामा फिल्म परंपरा 1993 से की। मैं खिलाड़ी तू अनारी दोनों की ही फिल्में 1994 में की। मैं उन्होंने अपने किरदार से काफ़ी सफलता हासिल की। उस दशक की उनकी सबसे बड़ी कमर्शियल सफल फिल्म हम साथ साथ हैं, जो कि 1999 में रही। इसके बाद आमिर खान के साथ कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है 2001 में, और शाहरुख खान के साथ फिल्म कल हो ना हो 2003 में अपने अभिनय से उन्होंने काफ़ी तालियां बटोरी। 2004 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम तुम खान के करियर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने एकमात्र पुरुष लीड का रोल निभाया और इसी फिल्म की वजह से उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद विद्या बालन के साथ ड्रामा फिल्म परिणीति और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सलाम नमस्ते ने उन्हें बॉलीवुड के मुख्य अभिनेताओं में से एक बनाया। 2006 में इंग्लिश फिल्म बीइंग साइरस में एक प्रशिक्षु के चित्रण के लिए उन्होंने आलोचकों से काफ़ी प्रसिद्धि बटोरी। शेक्सपियर की एक रचना है। उन्होंने 2006 की क्राइम फिल्म ओमकारा में एक प्रशिक्षु की भूमिका निभाई और 2009 की थ्रिलर फिल्म कुर्बान में उन्होंने टेररिस्ट की। कटरीना के साथ खान की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म 2008 की थ्रिलर फिल्म रेस रही, और इसका दूसरा भाग सीक्वल भी उनके लिए उतना ही सफल रहा। इसके बाद 2009 में दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस फिल्म लव आजकल और 2012 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल भी उनकी व्यावसायिक सफल फिल्मों में से एक है। संक्षिप्त में जीवन परिचय। जन्मतिथि 16 अगस्त 1970, जन्मस्थान नई दिल्ली भारत, राशि सिंह, राष्ट्रीयता भारतीय, गृहनगर मुंबई महाराष्ट्र भारत, स्कूल विद्यालय लॉरेंस स्कूल सनावरी, लॉकर्स पार्क स्कूल हर्टफोर्डशायर यूके, महाविश्वविद्यालय विंचेस्टर कॉलेज यूनाइटेड किंगडम, धर्म हिंदू, पता बांद्रा पश्चिम मुंबई में फॉर्च्यून हाइट्स बांद्रा मुंबई में 4 मंजिल डुप्लेक्स, शौक उपन्यास पढ़ना, गिटार बजाना, यात्रा करना, मछली पकड़ना और ट्रैकिंग करना। टैटू, सैफ अली खान अपने बाएं हाथ के अग्रभाग पर अपनी दूसरी पत्नी करीना कपूर का नाम लिखा रखा है। विवाद, वर्ष 2008 में फिल्म लव आजकल के फिल्मांकन के दौरान उन्होंने पटियाला रेलवे स्टेशन पर एक फोटोग्राफर पवन शर्मा को कथित तौर पर पीटा था।
वर्ष 2012 में उन्होंने मुंबई के कोलाबा में ताज होटल में दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यवसायी के साथ मारपीट की। वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं, गर्लफ्रेंड एवं अन्य मामले, अमृता सिंह जो कि अभिनेत्री, रोजा कैटलानो इटालियन मॉडल, करीना कपूर। विवाह तिथि, पहली पत्नी अक्टूबर 1991, दूसरी पत्नी से 16 अक्टूबर 2012। परिवार में पत्नी, पहली पत्नी अमृता सिंह और दूसरी पत्नी करीना कपूर। बेटा इब्राहिम अली खान, पहली पत्नी से तैमूर अली खान पटौती, दूसरी पत्नी से। उनकी दूसरी पत्नी करीना कपूर ने 21 फरवरी 2021 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। बेटी सारा अली खान जो कि पहली पत्नी से। माता पिता, पिता मंसूर अली खान पटौदी पूर्व भारतीय क्रिकेटर, माता शर्मिला टैगोर। बहन अभिनेत्री, सुहा अली खान जो अभिनेत्री है, सबा अली खान जो फैशन डिजाइनर है। पसंदीदा चीज़ें जैसे कि भोजन कबाब, मटन बिरयानी और भिंडी। अभिनेता रॉबर्ट द नीरो, फिल्म द गुड द बैड एंड द अगली और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रंग बैंगनी और भूरा। लेखक लियोन उरिस, एडगर एलन पो, लियो टोल्स्टॉय, अम्बर्टो इको, सलमान रुश्दी। रेस्टोरेंट जोई ग्रिल और ताजमहल होटल मुंबई। यात्रा गंतव्य लंदन और लॉस एंजल्स। खेल पोलो और क्रिकेट। टीवी शो शेरलॉक होम्स, हरक्यूलस पायरो, 24, द एक्स फाइल्स। गाना स्टेयरवे टू हेवन बाय लेड जेपलिन। फैशन यस संत लॉरेंट। कार संग्रह ओडी आर 8 स्पाइडर, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, लेक्सस 470, फोर्ड मस्टैंग, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर। संपत्ति पटौती पैलेस 800 करोड़ कीमत का, बांद्रा स्थित बंगला 6 करोड़ कीमत का, ऑस्ट्रियाई वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया 2 बंगले। वेतन 21 करोड़ यानी कि 2016 के अनुसार। कुल संपत्ति 940 करोड़ रुपये यानी कि $140 मिलियन। आप जानते हैं सैफ अली खान से जुड़ी कुछ रोचक बात जानकारियाँ, रोचक बातें। सैफ अली खान एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाने जाते हैं। सैफ अली खान का पालन पोषण सैफ अली खान के दादा इफ्तिकार अली खान पटौदी एक भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ष 1947 में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से एक कप्तान के रूप में मैच खेला था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत वर्ष 1993 की बॉलीवुड फिल्म परंपरा से की। उन्हें वर्ष 1994 की बॉलीवुड फिल्म ये दिल लगी और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से काफ़ी पॉपुलरिटी मिली। उन्होंने वर्ष 2005 की हिंदी फिल्म बींग्स साइरस में नायक की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वर्ष 2007 में सैफ अली खान के सीने में अचानक से दर्द होने के कारण उन्हें मुंबई के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जिसके बाद उन्होंने कभी भी धूम्रपान न करने का फैसला किया। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 1952 से 1971 तक पटौदी के नवाब रहे थे। सैफ अली खान एक प्रशिक्षक गिटार वादक है और उन्होंने संगीत कार्यक्रम में भी प्रदर्शन किया है। सैफ अली खान एक प्रशिक्षक गिटार वादक है और उन्होंने कई संगीत कार्यक्रम में भी प्रदर्शन किया है। अली खान वर्ष 2009 में इल्यूमिनाटी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। सैफ अली खान अपनी फिल्म क्या कहना के स्टंट करते हुए समय एक बहुत बड़ी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिसके चलते उनके सिर में कई टांके लगे थे। उन्होंने फिल्म दिल चाहता में काम करने से मना कर दिया था लेकिन बाद में डिंपल कपाड़िया के कहने पर वह इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए थे और उनके जीवन के यह फिल्म बहुत महत्वपूर्ण बन गई क्योंकि इस फिल्म में उनके किरदार के लोगों ने खूब पसंद किया। सैफ अली खान एक पशु प्रेमी हैं और उनके पास 2 पालतू कुत्ते हैं जिनके साथ वह अपना खाली समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। उनका पुश्तैनी घर गुड़गांव शहर से 25 किलोमीटर दूर की पटौदी पैलेस और इब्राहिम कोठी के नाम से फेमस है। कोठी की देखभाल करने के लिए नीम राणा होटल ग्रुप को सौंप दिया गया है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ पैलेस होटलों में से एक गिना जाता है। इस कोठी में बॉलीवुड फिल्म मंगल पांडे वीर जारा रंग दे बसंती का फिल्मांकन किया गया है। 22 सितंबर 2011 को उनके पिता की मृत्यु के हो जाने के बाद उन्हें पटौदी खानदान के एक लौते वारिस के रूप में पगड़ी पहना
पहनाकर पटौदी के 10वें नवाब का नाम दिया गया। पगड़ी समारोह में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। सैफ अली खान वर्ष 1991 बॉलीवुड अमृता सिंह से शादी की, जिसके बाद उनके बीच एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम सारा अली खान है, और फिर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम इब्राहिम अली खान है। लेकिन इनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया और वर्ष 2004 तक सैफ अली खान ने अमृता सिंह को तलाक दे दिया। तकरीबन 8 साल तक अकेले जीवन व्यतीत करने के बाद वर्ष 2012 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर से कोर्ट मैरिज किया। करीना कपूर ने 20 दिसंबर 2016 को एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम तैमूर अली खान है। तैमूर अली खान काफ़ी चंचल स्वभाव के हैं और वह अपने चंचलता के कारण सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। करीना कपूर ने 21 फरवरी 2021 को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपने दूसरे बेटे को भी जन्म दिया। सैफ अली खान फिल्मों के अलावा वर्ष 2020 के सीक्रेट गेम और सीक्रेट गेम 2 जैसी सीरीज में भी नजर आ चुके हैं। तो ये थी सैफ अली खान के बारे में एक छोटी सी जानकारी, द बायोग्राफी ऑफ सैफ अली खान। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और अगर आप मेरे उर्मिला वीसी चैनल पर नहीं हैं तो उर्मिला वीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।